छह दिन होंगे देख लो जी, इमरान कह रहा है इसे मैं व्लॉग का। पीछे भी गाड़ियां आ रही हैं पीने साठे, वो आके देखो ना झंडे, वो आ रही आ रही। चल आतिफ तैयार हो, ये सब पीटीआई वाले हैं। फिर कहते हैं इमरान खान को लोग पसंद नहीं करते, देख लो खान आ गया। ये देखो ना जी, ये देखो, ये देखने वाली चीज थी। बिल्कुल वो आगे। हाँ वो जो पार्क है ना वो सारा राइट पे पता नहीं ना ना। अच्छा वो बंदे इकट्ठे हो रहे हैं, पहुंच गए जी, आप देख सकते हैं बंदे इकट्ठे हो रहे हैं, तो हम भी पैदल चलते हैं इनके पीछे। तो आगे एक जगह पे जी सब इकट्ठे हो गए, जब ट्रस्ट करेंगे आपको दूर से मिलते हैं, आपको बंदे देख सकते हैं सारे इकट्ठे हो रहे हैं। ये देखें जी लोटू के लिए भी यहाँ पे काम है, लोटे साथ लाए हुए हैं।
तो जी यहाँ पर जितनी भी गैदरिंग आप देख सकते हैं, ये सारी गैदरिंग है जी जो पाकिस्तान में रजीम चेंज का कल्चर चला था उसके अगेंस्ट सारे के लोग इकट्ठे हुए हैं वहाँ पे, जो नो कॉन्फिडेंस वोट करके इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर के उदय से उतारा गया है, लोग उसकी मुखालफत करते हैं और उसके खिलाफ ये सारी यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ पे कोई आप देख सकते हैं मुख्तलिफ लोग, उन्होंने मुख्तलिफ बैनर्स उठाए हुए हैं सारे, कुछ लोग कह रहे हैं इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर, कुछ लोगों ने लिखा हुआ है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट एब्सोल्युटली नॉट, कुछ ने लिखा हुआ है वन मैन आर्मी, कुछ ने लिखा हुआ गली गली में चोर है सारा टप्पो चोर है, कहीं कह रहे हैं मरियम का पापा चोर है, मरियम के भाई चोर हैं जी। तो डिफरेंट लोगों के यहाँ पे डिफरेंट बयानी है, यहाँ पे कुछ लोगों ने लिखा है यहाँ पे कि जो कह रहे हैं जी हम न्यूट्रल हैं, हम अपना कोई रोल नहीं अदा कर रहे, तो न्यूट्रल रहें तो आप क्यों उसमें मैं अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो हर बंदे के यहाँ पे मुख्तलिफ इजहारे राय है जी, और हर बंदे यहाँ पे इमरान खान की सपोर्ट में इकट्ठे हुए हैं, और सबसे बड़ा जो इनका यहाँ पे एक इकट्ठे होने की एक और बड़ी वजह है वो ये है कि ये जो इमरान खान ने साहब ने ओवरसीज पाकिस्तानी को वोटिंग का हक दिया था, जो कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने आते साथ ही वापस ले लिया है, तो उसके खिलाफ ये सारे लोग इकट्ठे हैं ये, क्योंकि इनका भी राइट है वोट देने का पाकिस्तान को, क्योंकि ये सब के सब यहाँ पे पाकिस्तानी हैं, और क्योंकि ये पीछे बैक होम फैमिली से इनका बड़ा गहरा तल्लुक होता है, तो ये भी उसमें अपना वोट में हिस्सा डालना चाहते हैं, क्योंकि इनकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी है एट द एंड ऑफ द डे। और दूसरा ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट आई थी चोर सरकार, ये पहले कह रहे थे जी कि इमरान खान साहब ने महंगाई कर दी है, खान ने ये कर दिया, खान ने वो कर दिया, तो पेट्रोल महंगा दे रहे हैं, मांगे तो हम 70 रुपये में पेट्रोल देंगे, लेकिन अभी ये गवर्नमेंट में आने के बाद इन्होंने हर चीज़ इमरान खान से डबल कर दी है। पेट्रोल की कीमत आप देख लें, दो वीक्स के अंदर इन्होंने 60 रुपये का इजाफा कर दिया, कुकिंग ऑयल आप देख लें 230 रुपीज़ एकदम से इन्होंने ऊपर कर दिए पर लीटर के ऊपर। तो ये तो इन्होंने मार्च किया था मरियम सफदर ने और हमजा शहबाज ने, महंगाई बचाओ मार्च था जी, तो आप अभी क्या हो गया कि ये सब चीज़ें एकदम से खुद महंगी क्यों कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब उस वक्त तो कहते थे 70 रुपये का पेट्रोल देंगे, अभी मिफ्ता साहब 210 रुपये के ऊपर पेट्रोल ले गए हैं। ये तो पुराना पाकिस्तान करते करते पाकिस्तान को वाकई 1947 वाली सिचुएशन में लेके जा रहे हैं, जहाँ पे कि दोबारा लोगों को दोबारा टांगा चलाना पड़े क्योंकि लोग इन चीज़ों को अफोर्ड ही ना कर सकते। और ऊपर से नई बात ये देखें, मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है कि जी पेट्रोल अमीर लोग सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो शर्म नहीं है मिफ्ता साहब की बात कहते हुए कि अमीर लोग पेट्रोल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मोटर बाइक चलाते हैं ये सारे अमीर लोग हैं, मजदूर बंदा है अपने काम के लिए मजदूरी कर रहा है, फिर मोटर बाइक पर जा रहा है वो अमीर है, किसान जो ट्रैक्टर चला रहा है वो अमीर है, तो शर्म तो नहीं आती हमें। मगर और बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि आजकल लोग हमजा शहबाज को हमजा शहबाज की जगह हमजा मुर्गी कह रहे हैं, क्यों? पाकिस्तान में जो चिकन की कीमत इस वक्त जा रही है उसका सारा क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है, नून लीग वालों को, क्योंकि ज़्यादा के फार्म्स पोल्ट्री फार्म में वो सारे हमजा मुर्गी के हैं, और ये अपने जब कारोबार को इन्होंने बढ़ाना होता है तो ये उस वक्त मुनाफा ज़्यादा करने के लिए मुर्गी को महंगा कर देते हैं, और जब ये अपना सारे फार्म्स खाली कर चुके होते हैं उस वक्त ये मुर्गी को सस्ता कर देते हैं, तो ये तो इनकी हालत है। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़े मजे की बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारे वो नू लीग वाले दोस्त, वैसे काफ़ी सारे दोस्त भी हैं फैमिलीज में भी जानने वाले, ठीक है, जो नू लीग को सपोर्ट करते हैं, वो जो हर वक्त कहते नहीं से थकते महंगाई होगी है जी, नए पाकिस्तान के मजे ले लो, गरीब भूखा मारा है जी, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, आजकल वो किधर गायब हो गए हैं जब से ये इम्पोर्ट गवर्नमेंट आई है, वो क्या उनको सांप सूंघ गया जी, बिल्कुल कोई महंगाई का रोना रो नहीं रहे, 60 रुपए तो सीधा सीधा पेट्रोल ऊपर गया है, घी किधर चला गया, तेल की कीमत किधर चली गई है, दालें किधर चला गया, आटे की कीमत देखें, यूरिया की कीमत देखें, पहले तो कहते थे किसानों का बड़ा नुकसान हो रहा है, तो जमीर को जगाओ उन सबके लिए मैं कहना चाहूंगा कि अपने अपने जमीर को झिंझोड़ें और शख्स परस्ती को छोड़ें। देखें यहाँ पे लोगों ने बैनर उठाए हैं द वन मैन आर्मी, तो अगर आज इंग्लैंड में भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो इस बंदे में कुछ पार्टी है, तो इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं, ना कि जैसे नवाज शरीफ के घर के बाहर जाके इकट्ठे होते हैं, गली गली में शोर है नवाज शरीफ चोर है, ठीक है, वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे देखें तो लोग जो सारे इमरान खान की हिमायत में इकट्ठे हो रहे हैं, तो अभी भी टाइम है हमारे पाकिस्तान के उन इदारों के पास जो जिनके पास बहुत सारे इख्तियार हैं, तो अपने जो फैसला लिया है गलत फैसला लिया होगा उसे दोबारा सोचें, कंसिडर करें दोबारा।
तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बहरहाल जी, पाकिस्तान को इमरान खान साहब की शक्ल में एक मर्द मुजाहिद मिला है। एथलीस्ट ऐसा बंदा है जो दुनिया में किसी भी फॉरम पे जाके मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद करता है, पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद करता है, और डट कर उनकी आंखों में आंखें डालकर इतना तो कह सकता है ना, एब्सोल्युटली नॉट। एटलीस्ट इसे पर्ची की ज़रूरत नहीं होती, ये पर्ची वाला वज़ीरे आज़म नहीं है। बाकी तो हमारे जितने भी वज़ीरे आज़म गुजरे हैं, ठीक है, वो तो पर्ची लेके जाते हैं जब उन्होंने डिबेट कोई ना कोई करनी होती है। आजकल आप देख सकते हैं हमारे शहबाज़ साहब गए थे तुर्की के दौरे के ऊपर, तो वहाँ पर ये पर्ची लेके करते हैं। उससे पहले नवाज शरीफ साहब भी जब कभी बाहर का दौरा करते थे, स्पेशली उनके वो एक वीडियो बड़ी मशहूर हो गई थी, पर्चियाँ मिक्स हो गई जब बराक ओबामा का दौर था, उस वक्त अमरीका का विजिट कर रहे थे। तो एटलीस्ट इमरान खान जैसा बंदा है जो आंखों में आंखें डाल के, पहले एक बंदा आया था जनरल मुशर्रफ, अल्लाह ताला उन्हें विशेष ज़िंदगी दे, वो एक आंखों में आंखें डाल के बंदा बात करता था। उसके बाद जो दूसरा इमरान खान है, तो मुशर्रफ सबसे पहले एक में बंदे को क्रेडिट मिला, वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो था, जो बिल्कुल किसी जगह यूनाइटेड नेशन में भी जाके जिसने बात की थी, सेम ये एक ही चीज़ के कापी हैं। तो अगर मर्द मुजाहिद मिला, इसकी कदर करें, ना कि आप उन लोगों की कदर करें जो कि कहते हैं बिगर्स आर नॉट चूज़र, जो बात नहीं कर सकते, ठीक है, जो अपनी अपनी जेबें भरने के लिए आते हैं। ये टोटल इकट्ठे इतनी सारी, इमरान खान ने थोड़ा सा पहले कहा था कि जब इन सबको पकड़ूंगा चोर सारे इकट्ठे हो जाएंगे, वो ये इतनी सारी पार्टियां आज अगर इकट्ठी हुई हैं, एक इमरान खान के खिलाफ इन्होंने समझौता कर लिया है, तो इनमें सबके इनके अपने मुफाद हैं। सबसे पहले उन्होंने नैब को ख़त्म करना चाहता, क्योंकि ये अपने केसेस ख़त्म करना चाहते, और ये वो केसेस इमरान खान ने चलाते, ये शुरू से जो केसेस चले आ रहे थे, जब नून लीग आती थी पीपल पार्टी को केसेस बनाती थी, और पीपल पार्टी वाले नून लीग के ऊपर केसेस बनाते थे, तो अभी इमरान खान ने उनके ऊपर केसेस बनाए थे, ये वो वाले केसेस हैं सारे। लेकिन क्योंकि इमरान खान बिका नहीं है, इस वजह से इन्हें तकलीफ हो गई है। तो बहरहाल इमरान खान की एक बात का कोई बंदा मुकाबला नहीं कर सकता। जब भी वो को तकरीर शुरू करता है तो सबसे पहले कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तू जिसे मदद मांगते हैं। तो वो तो अल्लाह की तरफ झुकने वाला है, अल्लाह ताला से मदद मांगने वाला है, ठीक है, वो किसी और की तरफ हाथ फैला के नहीं बैठता कि हमारी मदद करो। तो ऐसे बंदे का अल्लाह ताला भी साथ देता है, तो वो इंशाल्लाह ज़रूर इसका साथ देगा। तो अप एंड डाउन लगे रहते हैं ज़िंदगी में, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, बंदे को और मजबूत करते हैं। और इंशाल्लाह इलेक्शन का ऐलान हो, देखिएगा यही इमरान खान ये दो ताई अक्सरियत से वापस आएगा और यही पाकिस्तान की किस्मत इंशाल्लाह बदलेगा, तो फिर इनके छुपने के लिए जगह बाकी नहीं बचेगी। लोगों में आप उसकी मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि देख लें वो जहाँ जहाँ पर जलसे कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा आवाम उसके जलसे सुनने के लिए आ रही है, चाहे कोई भी वक्त हो, सर्दी हो, गर्मी हो, रात हो, दिन हो, सुबह हो, एनी टाइम बंदे इकट्ठे हो जाते हैं। लास्ट उसने आखिरी जो मार्च किया अभी पेशावर से इस्लामाबाद तक, उसमें देखें दुनिया का कोई हिसाब नहीं था, इतनी रुकावटें होने के बावजूद हर जगह से लोग आए थे इमरान खान के जलसे में शिरकत के लिए। अभी ये रुकावटें ना रखते, फिर देखते कि इस्लामाबाद में कितनी दुनिया ने इकट्ठा होना था इमरान खान के लिए।